ठीक है, अभी हम नीचे निकल रहे हैं। और फिर एक बार स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए काफ़ी सस्ता है, आपको 5 रुपये में ये टिकट मिल सकता है। चलिए आप अगले डेस्टिनेशन के पास। हाँ, गेट में घुसते ही सूर्य गार्डन। अच्छा, गेट में घुसते। थैंक यू। तो भाई ये रहा सिसोदिया रानी का गार्डन, ये जयपुर सिटी से काफ़ी दूर है। जयपुर आगरा हाईवे में जयपुर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर है। और इधर काफ़ी सारे छोटे बड़े फाउंटेन्स है, अगर रात को इन फाउंटेन्स के साथ लाइट शो होता होगा तो रात का नज़ारा फाउंटेन्स और रोशनाई के साथ कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं, शायद अंदर कोई म्यूजियम। क्या अंदर कोई म्यूजियम है? म्यूजियम है अंदर। अंदर अंदर जाना, अंदर जाना, जेल नहीं जाना था, खाली अंदर जाना था। तो हम इससे बात कर लेते सर। अंदर जाने का रास्ता शायद यहाँ से होगा, ये तो लॉक है। नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है? वो रहा, मिल गया रास्ता नीचे जाने का। ये बाग 3 मंजिल का है और मैं इस वक्त अभी 1ली मंजिल पर आ चुका हूँ। नीचे उतरते हुए आप मुझे और नीचे उतरना है ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मूर्ति, टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं यहाँ पे, शायद रात को आते होंगे। तो अब हम गार्डन के सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। इधर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ।
तो भाई निकल लेते हैं अभी। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से थोड़े फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे सभी तरफ फाउंटेन्स लगे हुए हैं और रात का नज़ारा शायद कुछ अलग ही होगा। फोटो कहाँ से लेंगे? हाँ यहीं से ले लेंगे। टूट सकता है कभी। यहाँ पर खड़ा होना शायद रिस्की होगा। नीचे ही रखते हैं। तो अभी अभी मैंने वहाँ से फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन वो काफ़ी छोटा लग रहा था, इसलिए मैं अभी यहाँ से फ़ोटो खिंचवा था। यहाँ से ठीक है और सर को ओके। चलो भाई बहुत हुआ। तो अब मैं इस गार्डन से बाहर निकल रहा हूँ और इधर इस बाग के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। तो चलो आप जयपुर चलते हैं। यहाँ पे मैं पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा हूँ।